ये रहा हमारा दम लाजवाब पीस, ग्रेवी लेग पीस को तो इसी तरह का खाना चाहिए। ये देखो भाई बंदूक। ओ या भैया ठंडा बहुत बढ़ रहा है, कुछ बढ़िया खाने का हो जाता व्यवस्था तो मजा आ जाता। चलो अंदर कुछ देसी बढ़िया एकदम खिलाते हैं, नॉन वेज। तो जी आज बिना तामझाम वाली चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस चैनल पे मैंने पुराने जितने भी रेसिपीज डाले हैं वो काफी फैंसी या फिर मतलब टू मच टू क्रेव वाली हैं, जो कि आप रेस्टोरेंट्स पे ही खोजते हैं। तो आज एक कंफर्ट फूड हम लोग बनाने वाले हैं, एंड बेसिकली वो होम स्टाइल चिकन, जो कि बेसिकली सबका अपने अपने स्टाइल का होता है। तो आज मेरा स्टाइल का भी देख लो, ये कुछ वैसा ही है जैसा हर किसी का ना एक स्टाइल का मैगी होता है, जो कि वो अपने हिसाब से बढ़िया बनाता है। तो खैर, तो जिस तरीके का फ्लेवर मुझे आज पसंद है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और चलिए शुरू करते हैं। तो जी शुरुआत करेंगे प्याज के कटिंग से, और सही बात बोलूँ ना तो प्याज को अपने हिसाब से ही रखिएगा, क्योंकि प्याज ज़्यादा पड़ जाने से मीठा हो जाता है, ठीक है। तो आपने चीनी नहीं डाली उसके बाद भी आपको लगेगा कि चीनी कहाँ से आई इसमें। तो आप देखेंगे कुछ क्वांटिटी, ये चिकन का ये क्वांटिटी है इस टाइप का, और 5 प्याज मैंने लिए हैं, उसमें से एक प्याज हमारे सलाद के लिए जाएगा। तो आपको पता है ना देसी स्टाइल जो चिकन बना रहे हैं उसमें सलाद ना रहे साथ में तो कैसे चलेगा। तो अभी आप लोग बोलेंगे कि ये जो तामझाम मैंने यहाँ लगा रखा है, तो मेरे पास तो एक प्रॉपर किचन है, तो मैंने वहाँ क्यों नहीं लगाया। तो भाई अब फुटेज जो आप लोग देख रहे हो वो भी तो मेन है, मतलब आप लोग उसी के लिए आए हो। और किचन पे वैसा मेरे पास मतलब बनाने का तो सुविधा है, पर आपको दिखाने का नहीं है। अब ये वाला जो चिकन बनाना है आपको, उसके लिए सरसों का तेल बिल्कुल मस्ट है, मतलब वो झांस आनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली। अब इसमें जो मैं बनाने वाला हूँ, तो खड़े मसाले इसमें मैं डायरेक्ट नहीं डालूंगा, तो मैं एक मसाले का पेस्ट बनाऊंगा, और वो मसाले का पेस्ट मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या मैं उसमें डाल रहा हूँ, राइट। फिलहाल इसमें डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च और साथ ही एक तेजपत्ता। ये सब डालने के बाद अब आई प्याज की बारी। अब देखो आप ये देख रहे होंगे प्याज ने अपना कलर धीरे धीरे हल्का करना शुरू कर दिया है। तो अभी हम लोग नहीं डालेंगे चिकन इसमें, तब डाला जाएगा जब ये थोड़ा थोड़ा सा लाल हो जाएगा, मतलब जो बरिस्ता आप जानते हैं ना बिरयानी में आपको खाने में मजा भी आता होगा, उस स्टेज तक इसे लेकर के आना है। उसके बाद मतलब उससे बस एक स्टेज पहले, उसके बाद चिकन डाल दिया जाएगा। तो देखो अभी इसमें कायदे से जो मैं पेस्ट बनाने वाला हूँ उसमें क्या क्या जाने वाला है, तो वो आप तरीके से देख लो। तो इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ हैं, ठीक है, लगभग लगभग 8 के आसपास, और थोड़ा सा एक जिंजर, ठीक है। जिंजर मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, राइट। साथ में हम लोग इसे थोड़ा बिहारी स्टाइल में थोड़ा तीखा रखने वाले हैं, तो इस मिर्ची का डंटी तोड़ करके, ठीक है, लगभग 4 मिर्ची के अराउंड हम लोग डालने वाले हैं, और ये हम और आदि दोनों ही खाएंगे। तो आदि प्रॉपरली बिहार से है और तीखा चिकन थोड़ा पसंद करता है। अच्छा, साथ ही ये एक गोटा जो लहसुन का है, ये आपने देखा होगा, तो ये कब जाने वाला है, तो ये हम लोग डालेंगे प्याज में ही, ठीक है, और ये टोटली यहाँ पे भूनता रहेगा। अब ये जो लहसुन का गोटा मैंने डाला ना, ये आपने ज़्यादातर कहाँ देखा होगा, वो जो हांडी मटन हमने आपको दिखाया था ना, वैसा ही हांडी का चिकन भी बनता है, उसमें ये गोटा लहसुन डाला जाता है। और ट्रस्ट मी, ये आप डाल कर देखो, एक गजब का फ्लेवर आएगा, आप विश्वास नहीं करोगे। आपने लहसुन का ऐसा फ्लेवर कभी दोबारा ट्राई नहीं किया होगा, आपको वो लहसुन का कली जब आप ये पक जाएगा ना ग्रेवी में, उसके बाद आप निकालोगे, उसमें से एक गजब का स्वीटनेस आता है। हम लोग दिखाएंगे आपको, तरीके से दिखाएंगे, ठीक है, इंतजार करो। साथ ही ये पेस्ट को थोड़ा सा गाढ़ा कंसिस्टेंसी देने के लिए ये आधा प्याज हमने रखा है, ठीक है। अब बारी आती है इसमें खड़े मसाले डालने की, तो खड़े मसाले आप लोग ध्यान से देख लेना क्या क्या डाल रहा हूँ। 2 छोटी इलायची, इतना सा दालचीनी, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची, एक नहीं है ये हाफ मैंने किया हुआ है,
तो आप भी हाफ ले सकते हो। हाफ लेने का रीज़न ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस फ्लेवर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने हल्का सा लिया है, ठीक है। साथ ही हाफ टेबल स्पून के अंदाज से जीरा, जीरा आप थोड़ा कम ही रखना, ये ब्लैक पेपर, ठीक है। ये आप डाल सकते हो अपने हीट स्पाइस जो टॉलरेट करने का क्षमता है उसके हिसाब से, ठीक है। अब डालेंगे इसमें ड्राई मसाले थोड़े से, तो इसमें जाएगी हल्दी 1.5 टेबल स्पून के अराउंड, उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के अराउंड, और धनिया अच्छे से, ठीक है, ये आप अराउंड 3 रख सकते हैं। और साथ में अगर आप कुछ अलग से एडिशनल स्पाइस मिक्स डालना चाहें, जो कि मैं भी डाल रहा हूँ और मैं ब्रांड नेम नहीं बताऊँगा, लेकिन ये चिकन मसाला है, आप अपना फेवरेट ब्रांड उठा सकते हो। तो इसको पीस कर मसाला रेडी कर लेते हैं जब तक कि हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। तो देखो भाई, प्याज उस रेंज तक आ गया है जो मैंने बरिस्ता का रेंज बताया था ना। अब इसमें डाला जाएगा चिकन। अब देखो भाई, उतने देर तक जो प्याज का हमारा ब्राउन करने का मकसद है वो एक ये है कि प्याज जो हो जाता है ना, तार तार हो जाता है, मतलब जब ग्रेवी बनती है, ठीक है, और लिटरली वो ग्रेवी में खो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसे उस स्टेज तक नहीं ले जाओगे तो कभी कभी होता है कि आपको चिकन में प्याज के फील आएंगे जो अलग से कच्चा कच्चा होता है। बाकी मुझे इस स्टेज पे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये जो बरिस्ता वाला हिसाब वाला है ना, उसमें एक नटीनेस प्याज से निकल के आती है और जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देगी। अब ये भुनाई का कार्यक्रम इस तरह से चलता रहेगा, कब तक, जब तक चिकन में एक थोड़ा थोड़ा सा कलर ना आना चालू हो जाए, ठीक है। इसे बिल्कुल एकदम हाई हीट पे हम लोग मतलब चला रहे हैं, और ये हाई हीट पे क्या होगा ना कि चिकन को ड्राई होने का मौका नहीं मिलता है। एक मैं आपको बात बताऊं, तो आपने देखा होगा बहुत लोगों को कहते हुए कि थाई और जो लेग होता है उसको पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बाकी भी किसी भी डिश में, और ब्रेस्ट जो होता है वो फूक मार के तुरंत पक जाता है। तो ऐसे में करें क्या, तो ऐसे में ये वाला जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ना, हाई हीट वाला, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और बाकी जैसा मैंने कहा था, पेस्ट हम लोग करके ले आए हैं, तो देखो कितना बेहतरीन कलर है। तो इसको डालेंगे, पहले चिकन में रंगत तो आ जाए। तो अभी आप देख पा रहे होंगे चिकन में रंगत आना शुरू हो गई है। तो अब क्या करना है ना, मसाले के साथ आगे की भुनाई होगी, और इसमें हम लोग मसाला डाल करके आगे भूनते चलेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, भुनाई का स्टेज जब तक चिकन मतलब 70% डन हो रहा है तभी तक चलाना है, उसके बाद हाथ रोक देने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टेजेस में चिकन को पका रहे हैं। अब यहाँ पे चिकन के साथ साथ क्या पक रहा है, तो पक रहा है मसाला। अब मसाला पक चुका है या नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा, तो देखो मसाला में आपको ये दिख रहा होगा कि ग्लेज आना चालू हो गया, ठीक है। तो ये ग्लेज जो है ये ऑयल का ही है, जो हम लोगों ने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया था ना, ये उसका ही है। और ग्लेज का मतलब होता है कि मसाला आपका लगभग डन ही है, ठीक है। और जब ये पूरी तरीके से हो जाएगा तो पूरी तरीके से अपना जो ऑयल है वो पूरा प्रॉपर छोड़ देगा। चिकन को हम लोग स्टेजेस में पका रहे हैं, लाइक जो हमने शुरू में भुनाई किया, उसके बाद अब जो है मसाले के साथ थोड़ा सा भून रहे हैं, अब उसके बाद लास्टली बॉइलिंग करेंगे जब हम लोग इसमें पानी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद उसे ढककर छोड़ दिया जाएगा। एक चीज़ हमसे छूट रही थी जो कि इस पूरे ग्रेवी की जान होने वाली है, रुको मैं बताता हूँ। तो ये स्वाद अनुसार नमक छूट रहा था हमसे, डाल दिया जाए जरा। वैसे ये नमक आप पहले भी डाल सकते हो, चिकन आपका रिड्यूस करने में आपको हेल्प करेगा, हालांकि हमसे थोड़ा सा चूक हो गई। खैर, हालांकि अगर मैं ग्रेवी बनाता जो प्रॉपरली तरी वाली होती है, ठीक है,
तो मैं नमक बिल्कुल लास्ट में ही डालता पानी डालने के बाद। पर हम लोग इसे थोड़ा लटपट रखने वाले हैं, तो ग्रेवी का अंदाज जो है वो अभी भी लग ही जाएगा, मतलब जितना भी हम लोग इसमें पानी डालेंगे लिमिटेड जो भी है, ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग नमक डाल सकते हैं। तो देखो जैसा मैंने बताया था ना, तेल बिल्कुल प्रॉपरली अलग हो गया ना, अब इसमें बारी है पानी डालने, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब देखो जितना ग्रेवी मुझे चाहिए ना, पानी मैंने उसे थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, ठीक है, इसलिए क्योंकि उसको हम लोग रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है, जो भी है अपने मात्रा के अनुसार उसे कम कर लिया जाएगा। तो यहाँ से प्रोग्राम थोड़ा सा हम रोकते हैं, ठीक है, और यहाँ लगाया जाएगा ढक्कन, और प्रोग्राम सेट होने के बाद दोबारा मिलते हैं, उसके बाद लास्ट में की जाएगी गार्निशिंग और उसके बाद सधाया जाएगा काम इसका। भाई साहब खुशबू तो बहुत लाजवाब है, लिटरली मज़ा आ जाएगा। और इसके साथ खाने के लिए इंतजाम कर रखा है हमने, ठीक है, नहीं बताऊंगा, आप गेस करते रहो। भाई धनिया में कंजूसी नहीं, ठीक है, धनिया तो भाई मामला हो चुका है सेट, अब इसे उतार कर करना है खाने का इंतजाम। तो यहाँ से अब थोड़ा सा विदा लेते हैं, मतलब विदा क्या लेंगे, अभी भी आप बने रहोगे ना, तो चलो अब इसको साथ में एंजॉय करते हैं। तो भाई प्लेट वगैरह लेकर के हम लोग हो गए हैं सेट, ये रहा हमारा दम लाजवाब ग्रेवी और ये बहुत आवश्यक चीज है। हाँ, और इसमें बंटवारा है, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो ना हो, इसका बंटवारा हमेशा होता है। और कौर है ये, आहा सूरत देखो, सूरत देखो क्या मस्त चमक रहा है, जबरदस्त। बस 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 थोड़ा ग्रेवी गिरा, वाह वाह वाह। और इसके साथ क्या है खाने को तो दिखाता हूँ, तो ये है पुलाव, ठीक है, ये मैंने थोड़ा पहले ही बना कर रख लिया था सो दैट कि लास्ट मोमेंट में कुछ वो ना हो। चलो आदि भाई ग्रेवी टेस्ट करो, ग्रेवी बहुत मस्त है, इसका बंटवारा हम करेगा, रुक जाओ। चलो भाई हाथ गंदे करने का वक्त आ गया, तो इसको बढ़ेंगे, पहले मैं भी थोड़ा ग्रेवी देख लूं। देखो भाई कितना प्यारा, बोला था ना प्याज पूरा घुल जाएगा। चलो गार्लिक का भाई फ्लेवर आ रहा है, आ अब इसको लहसुन को मैंने आपको बोला था ना दिखाऊंगा, ये देखो भाई लहसुन, ये अब इसमें से जो पीस निकलता है ना, ये देखो, ये इसको आप बस ऐसे करोगे, ये है अंदर का माल, इसको चावल के साथ मिला खाने का अलग मजा है। लेग पीस को तो इसी तरीके से खाना चाहिए, जबरदस्त बनाया एकदम, बोलते हैं ना उंगलियां चाट जाओगे वो वाला है, बहुत जबरदस्त है। तेरा मुंह देख के अगला को भूख आ जाएगा भाई। टंगड़ी की एक बाइट हम भी तो लें। इतना चावल अकेले निपटा सकते हैं इसके साथ, इतना हिम्मत है अभी, मतलब टेस्ट उस लेवल का है। ये देखो भाई चिकन देखो, अंदर से दिखाता हूँ कितना मस्त पका हुआ है। चलो थोड़ा सा चावल भी लिया जाए, चलो आदि भाई थोड़ा थोड़ा चावल दोनों में निपटा दो, खिले खिले पुलाव, स्वाद लगाओ आदि भाई थोड़ा। देखिए रस और ऊपर से पीस ले लो हल्का सा, उसके बिना मजा कैसे आएगा, और बहुत जबरदस्त है, लाइक
ये जानते हो ना, जितना मेहनत करोगे उसके बाद खाना और अच्छा लगता है, वही हाल है अभी। बहुत मस्त है। आते हैं लहसुन के जादू पे, ठीक है? ये देखो, थोड़ा जगह बनाया जाए, ये तोड़ा जाए इसको, बस ये थोड़ा सा मैश करके थोड़ा सा ग्रेवी के साथ, और ये आपकी बाइट। ये ट्राई करो, जिसने नहीं किया है थोड़ा सा रेस्टोरेंट का चक्कर छोड़ो, ये वाला काम करके देखो। सारा चीज मैंने दिखाया ही है, अब ऐसा नहीं है आप नहीं बना पाओ, ठीक है? ये देखो भाई, बंदूक। ओ या वाह, बोला था ना, ये मीठा मीठा सा टेस्ट ना लहसुन से जो उभर के आता है ना भाई, किसी डिश में ये चीज फील नहीं होता है। ये वाली चीज जो ऐसे बनाओगे ना, गजब मीठा बनाता है। खा कर तो देखो, मजा ना आए तब बोलना, कमेंट करने आ जाना। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं भाई, ये एंजॉयमेंट ना थोड़ा सा कैमरा बंद करके भी एंजॉय करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगर ऐसा कुछ वीडियो आपको, रेसिपी वीडियो आगे भी चाहिए तो आप जरूर कमेंट करना, हम लोग वो भी बनाएंगे, ठीक है? जैसा आपको आज देखने को मिला है, कुछ उससे रिलेटेड ही मिलेगा या फिर उससे बेहतर ही मिलेगा, ठीक है? तो मिलता हूं आपसे एक और वीडियो में एक और अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा।